अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है साउंड ऑफ आर। क्या पढ़ना है? साउंड ऑफ आर। आर को कौन सी साउंड निकलती है? आर को र साउंड निकलती है। कौन सी साउंड निकलती है? र साउंड। आर ए टी रैट, रैट मीन्स चूहा। स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल टी। इस साइड में कैपिटल लेटर्स में ये वर्ड है, इस साइड में स्मॉल लेटर्स में ये वर्ड है। मैं हर रोज ये बात रिपीट करती हूँ। आर ओ एस ई रोज, रोज मीन्स गुलाब। स्मॉल आर बीच की दो लाइनें में, स्मॉल ओ बीच की दो लाइनें में, स्मॉल एस बीच की दो लाइनें में, स्मॉल ई बीच की दो लाइनें में। आर आई एन जी रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी। आर आई एन जी रिंग या यूस रिंग वायन छ। देखो स्मॉल आर ऐसे हैं, स्मॉल ए ऐसे लिखना है, स्मॉल टी ऐसे लिखना है, स्मॉल ई ऐसे बनाना है, पहले सी फिर ये ऐसे करना है, स्मॉल एन ऐसे लिखना है, स्मॉल जी ऐसे नाइन पहले फिर ऐसे करना है। समझ में आया? आर ए टी रैट, आर ओ एस ई रोज, आर आई एन जी रिंग, रैट रोज रिंग। कैपिटल आर, कैपिटल लेटर जो है ये ऊपर की तीन लाइनें में हमें लिखने होते हैं। स्मॉल आर बीच की दो लाइनें में। समझ में आया? आर ए टी रैट, आर ओ एस ई रोज, आर आई एन जी रिंग, रैट रोज रिंग, रैट रोज रिंग, रैट रोज रिंग। समझ में आया? कितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं? तीन वर्ड्स। कितने? तीन वर्ड्स। ये तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं और घर में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। समझ में आया? आर को कौन सी साउंड निकलती है? र साउंड। कौन सी साउंड निकलती है? र